हेलो गाइस, वेलकम टू एमकेएस ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं सीएफ बेस्ड, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे क्या दिया, जीरो दिया हुआ है। तो जीरो होगा तो क्या होगा, अपना सिर्फ और सिर्फ सीएफ निकलेगा। पीआई तब निकलेगा जब यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स और वाई रहेगा तब। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या दिया, आर एस टी वाला फॉर्म भी दिया। तो सिंस वी नो दैट, वी नो क्या बताओ, तो आर अपना क्या होता है, डेल इज डेल क्या होता है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। एस पता क्या होता है आपको, यहाँ पे डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स डेल वाई। और टी बताओ क्या होता है आपको, यहाँ पे डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ बताओ हम लोग सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। इसको यहाँ पुट अप करो, उसको यहाँ पुट अप करो, उसको यहाँ पुट अप करो। तो आप लिखो गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इज। ठीक है, यहाँ पर तो ये आएगा, तो दिस इज डी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे अपन, प्लस सिक्स डी वाई भी देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर तो क्या आएगा, डी डैश आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा, तो कहाँ पर क्या लिखा मैं, डी स्क्वायर लिखा। यहाँ पे तो क्या है, एक्स भी है वाई भी है, तो डी और डी डैश। यहाँ पर तो वैसे क्या आएगा, देखो यहाँ पे नाइन लिखा हुआ है, तो लिखो पहले नाइन लिखो। यहाँ तो क्या लिखा है, वाई स्क्वायर लिखा, तो ये बताओ आपने क्या आएगा, डी डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू, नहीं इक्वल टू नहीं आएगा, ब्रैकेट ओपन मतलब क्लोज करो, यहाँ पे लिखो जेड। ठीक है, इसको काटो, इसको लिखा यहाँ पे जीरो। ठीक है, ओके। तो इसका अपन क्या निकालेंगे, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज। यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, डी के अपन क्या पुट करते हैं, यहाँ पे एम पुट करते हैं। दिस इज एम स्क्वायर प्लस सिक्स एम प्लस नाइन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ये अपना हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये तो देख के लग ही रहा है कि अपना बताओ क्या ये एम प्लस थ्री का होल स्क्वायर है। तो ये बताओ हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे अपन एम प्लस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज एम इक्वल्स टू माइनस थ्री कॉमा माइनस थ्री। तो हेंस द रूट्स जो अपने निकले एम के, वो अपना बताओ क्या है, यहाँ पे रियल है बट रिपीटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर सी एफ इक्वल्स टू, तो क्या होगा अपने यहाँ पे एफ वन वाई माइनस थ्री एक्स रिपीटेड है। तो देखो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस एक्स टाइम्स एफ टू वाई माइनस थ्री एक्स। ये अपना हो गया यहाँ तक का, ओके। तो ये अपना हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे। हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज, इस कंप्लीट सॉल्यूशन को शॉर्ट में सी एस भी लिखते हैं, सी एस। तो ये अपना बता क्या होगा, जेड इक्वल्स टू, देखो किसका अपन निकाला, जेड का निकाल रहे कि नहीं, तो जेड इक्वल्स टू सी एफ होगा, क्योंकि यहाँ पी आई तो है नहीं। एंड विच इक्वल्स टू एफ वन वाई माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स टाइम्स एफ टू वाई माइनस थ्री एक्स, बस। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आ चुका होगा। आगे की वीडियोज हम देखेंगे सी एफ के कुछ रूल्स, और फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहाँ पे सी एफ और पी आई दोनों निकालेंगे। तो इस वीडियो बस इतना ही, थैंक यू।